हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि वेब स्टोरी फास्ट इंडेक्स किस प्रकार कर सकते हैं, क्या ऐसी वेब स्टोरी की सेटिंग है जिससे आपकी वेब स्टोरी जल्द से जल्द इंडेक्स होगी और आपके वेब स्टोरी पर ट्रैफिक आएगा। हमारी ये वेबसाइट है, आपको अपनी वेबसाइट पर क्या करना है, सिंपली वेब स्टोरी के नाम से एक आपको मेन्यू ऐड कर देना है जिससे आपके जो ब्लॉग पर जितनी वेब स्टोरी होंगी वो इंडेक्स होने लगेंगी। और क्या सेटिंग ऐसी करनी है जिससे आपकी वेब स्टोरी इंडेक्स हो जाए, तो चलिए हम अपने चलते हैं वर्डप्रेस लॉगिन पैनल पर और हमारी आप वेब स्टोरी देख सकते हो। हम डेली वेब स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं और हमारी वेब स्टोरी इंडेक्स भी हो रही है। अब इंडेक्स किस प्रकार, कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमारी वेब स्टोरी इंडेक्स 3 दिन में हो रही है, 4 दिन में हो रही है, तो उनको सिंपली क्या करना है, एक जो सेटिंग है उसको कर लेना है जिससे आपकी वेब स्टोरी जल्दी इंडेक्स होगी। तो आपको सिंपली क्या करना है, रैंक मैप, अगर आप SEO प्लगइन यूज कर रहे हैं तब आपके लिए क्या करना है, सिंपली रैंक मैप पे जाना है और यहाँ पर लिखा है इंस्टेंट इंडेक्सिंग, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको, चलिए हम इसको क्लिक कर लेते हैं। और थोड़ा खुलने में टाइम लग रहा है क्योंकि वाईफाई स्लो चल रहा है, मौसम खराब है बेंगलोर में, इसलिए इंटरनेट थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तब तक ये ओपन होता है जब तक हम आपको बता देते हैं कि आपको अपने ब्लॉग पर वेब स्टोरी के नाम से एक मेन्यू ऐड कर लेना है। ये मेन्यू किस प्रकार ऐड करना है, आप सिंपली अपने थीम पर जाकर एडिट करना है और मेन्यू वाले सेक्शन में जाकर आपको स्टोरी के नाम से एक मेन्यू बनाना है जिसमें आपकी जितनी वेब स्टोरी है वो वेब स्टोरी आपकी यहाँ पर शो होंगी। आपको दिखाई दे रहा होगा हमारी जितनी भी वेब स्टोरी हमने बनाई है वो सभी इस वाले मेन्यू में हमने ऐड कर रखी है। इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से पेज नहीं खुला है, चलिए हम दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट कर लेते हैं एक बार, फिर आपको बताते हैं कि आपको ऐसी कौन सी सेटिंग है जो आपको करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो वेब स्टोरी पर काम कर रहे हैं लेकिन उनकी वेब स्टोरी इंडेक्स नहीं हो रही है। तो इंडेक्स ना होने का एक ये भी रीजन हो सकता है, वो रीजन मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि आपको अपने रैंक मैप प्लगइन पर जाकर एक सेटिंग कर लेनी है, वो सेटिंग मैं आपको सामने करके बताता हूँ। चलिए इंटरनेट कनेक्ट हो गया है। इंस्टेंट इंडेक्स में क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आपको क्या जाना है, रैंक मैप वाले में जाने के रैंक मैप में आपको ये ऑप्शन मिल जाएंगे, उसके बाद आपको इंस्टेंट इंडेक्सिंग इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन होगा, फिर आप सेटिंग पर क्लिक कर देना है। अगर आप चेक कर लीजिए ऑटो सबमिट पोस्ट टाइप, आपके ये चारों पर टिक होना जरूरी है, पोस्ट भी आपकी इंस्टेंट इंडेक्स हो, पेज भी आपके इंडेक्स हो। स्टोरी पर कुछ लोगों के यहाँ पर क्लिक नहीं होता है, जिन लोगों के यहाँ पर क्लिक नहीं है वो लोग यहाँ पर टिक कर दें। टिक करने के बाद यहाँ पर क्या करना है, आपको सेव चेंज पर क्लिक करके आपको अपनी सेटिंग को इस प्रकार चेंज कर लेनी है जिससे आपकी जो वेब स्टोरी है वो जल्दी इंडेक्स होने लगेगी, क्योंकि आपकी जो सेटिंग होती है वो सही नहीं कर पाते, इसलिए आपकी इंडेक्स होने में टाइम लेती है, फिर इंडेक्स नहीं होती है तो आप लोगों को ट्रैफिक नहीं मिलेगा। मेनली इंडेक्सिंग प्रॉब्लम यही है, आपको कोई भी प्लगइन इंस्टॉल नहीं करना है AMP के लिए, आपको रैंक मैप में जाना है और रैंक मैप के डैशबोर्ड में जाकर आपको यहीं से AMP प्लगइन ओपन करना है। रैंक मैप AMP की सुविधा देता है, तो यहाँ पे AMP के नाम से मैंने एक मेन्यू बना रखा है, इसको आपको ओपन करना है, तो आपको AMP प्लगइन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी आपको अगर वेब स्टोरी में और कोई परेशानी है और कोई समस्या है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, जो मेन चीज थी वह हमने बता दी है। आपका काम है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।